तो है हेलो, वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू डेट सिनेमा विद आकाश के साथ। तो भाई फिर से मैं ले आ चुका हूँ कुछ ऐसी मूवीज़ जिनको देखने के बाद आपका दिमाग कहेगा क्या बात है। तो यार कुछ मूवीज़ अंडर रेटेड है थोड़ा सा, तो यार संभाल लेना। बहुत अच्छी मूवीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरी है, पर अंडर रेटेड है। तो यार सस्पेंस के साथ ओपी है, बहुत बढ़िया मूवीज़ है। तो यार चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले यार, आप में से 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं विनती करता हूँ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर से सेलेक्ट कर देना यार। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये सारी की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अभी जो अपने पास मूवी है नंबर 5 पे, उसका नाम है कलेवंदन। यह मूवी आई थी सन 2015 में। एक रोमांस सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और ड्रामा भी इसके अंदर भरा पड़ा है। सच्ची बताऊँ तो IMDb की बात करें तो IMDb पे कोई रेटिंग नहीं है, और गूगल यूज़र का भी आता पता है नहीं। तो यार जाके लाइक कर दो इस मूवी को प्लीज़। अभी बात कर लेते हैं कास्ट एंड क्रू के बारे में, स्क्रीन पे डाल दे यार, पॉज करके देख लेना। अभी बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो यार कहानी की स्टोरी लाइन के अपने को दिखाया गया है कि अजय नाम का एक मार्शल आर्ट टीचर होता है। उसने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया होता है अपने गुरु जी के कहने पर। तो उसके अंदर एक मिलर नाम की एक लड़की आती है और वो दोनों फ्रेंडशिप फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके लव में पड़ जाते हैं। फिर बाद में जाके मूवी का एक और ट्विस्ट है, जाके ज़रूर से एक मूवी देख लेना। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। तो यार नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है वुल्फ। ये इसी साल 2021 में रिलीज हुई है और बहुत ज़्यादा मस्त मूवी है। एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी लाइन है, डेफिनेटली बताऊँगा। अभी बात कर लेते हैं IMDb के बारे में। IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 4.3 out of 10, और सिनेमा एक्सप्रेस ने 3 out of 5 दिए इस मूवी को। गूगल यूजर्स ने लाइक दिए हैं 63% इस मूवी को। अभी बात कर लेते हैं कास्ट एंड क्रू के बारे में, स्क्रीन पे डाल दिया है, पॉज करके देख लेना। अभी बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो यार मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को दिखाया गया है संजय नाम का एक बंदा। वो अपने फियांसे को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाता है, पर अचानक से लॉकडाउन अनाउंस होने के कारण वो वहीं फंस जाता है। फिर उसको पता चलता है अपने छुपे हुए रूप के बारे में। क्या है वो रूप, आप जाके ज़रूर से मूवी चेक करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मूवी है। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम, तो इस मूवी का नाम है 3। ये मूवी आई थी सन 2017 में। एक ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। IMDb की बात करें तो IMDb पे 5.3 out of 10 रेटिंग मिली, और गूगल यूजर्स ने 71% लाइक दिए। कास्ट एंड क्रू की बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया है, पॉज करके देख लेना। अभी बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो स्टोरी लाइन के अंदर अपने को एक जीवा नाम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र दिखता है। वो बदला लेना चाहता है किशोर नाम के पॉलिटिशियन के बेटे के साथ। तो वो बदला क्यों लेना चाहता है, तो जीवा का किशोर ने कोई डॉक्यूमेंट फाड़ दिया होता है, उसकी वजह से उसकी जॉब नहीं लग रही होती है। तो इस वजह से वो कुछ बदला लेना चाहता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जाके एक बार ज़रूर से ट्राई कर लेना मूवी के। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। जो नंबर 2 पे मूवी है उसका नाम है भाई, तो इस मूवी का नाम है पुष्पम्पा। ये आई थी सन 2019 में। इसकी कैटेगरी को स्पेसिफाइड नहीं है, बट रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड एक मूवी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है। तो रियल लाइफ पे बेस्ड है तो एक बार देखना बनता ही है मूवी को। IMDb की बात करें तो 6.3 out of 10 IMDb है, और गूगल यूजर्स ने 86% लाइक दिया इस मूवी को। कास्ट एंड क्रू की बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया है, पॉज करके देख लेना। अभी बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। तो यार मैं सोच रहा था कि स्टोरी लाइन बता दिया तो मूवी देखने का मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। तो यार मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये दो मूवी जो है ना, वो दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो यार अभी बात कर लेते हैं अपने अगले मूवी के बारे में, और नंबर 1 मूवी के बारे में। इसका नाम है भाई, तो इस मूवी का नाम है लाची। यह मूवी आई थी सन 2019 में। एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा सस्पेंस वाला मूवी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे भी हॉरर मूवी सभी कॉमेडी ही बन रही है, तो भाई ये एक्चुअली सच निकल गया मेरी मुँह से, पर सच है एक्चुअली। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, जाके एक बार ज़ोरों से देख लेना। अभी बात कर लेते हैं मूवी की IMDb के बारे में। 6.7 out of 10 IMDb, और गूगल यूजर्स ने 86% लाइक दिया इस मूवी को। कास्ट एंड क्रू की बात कर ले तो स्क्रीन पे डाल दिया है भाई, देख लेना। अभी बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो यार मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को एक देवी नाम की लड़की दिखाई गई है, जो भी अपने गाँव में प्रॉब्लम हो रहा है उन सबको अपने स्किल से इम्प्रूव कर देती है।
पर मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है, बस जाके देखना, मूवी ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर देना। मैं विनती करता हूँ क्योंकि 90% लोगों ने इस चैनल को जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।